हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुणाल होनारे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो जी, इस बार आप देख सकते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ मिले हैं। सो इस बार का जो चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस, जो कि चैप्टर 8 है। सो जी, इस चैप्टर में बेसिकली आप तो सब जानते ही होंगे कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है, उन्होंने पढ़ लिया है। उसके आगे आगे है स्मॉल, मतलब छोटे मोटे बिजनेस, जैसे हो गया ग्रॉसरी शॉप, आपके घर के पास होंगे सैलून, ये सब क्या है, छोटे मोटे बिजनेस हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेक्नोलॉजी, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट, जी बहुत कम होता है। टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पर मशीन जो रहती है, मशीन या फिर नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या रहता है, बहुत कम रहता है। और जी इन्वेस्टमेंट भी क्या रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है, बहुत कम रहता है। इसलिए ऐसे टाइप के बिजनेस को जी स्मॉल बिजनेस कहा जाता है। और जहाँ पर जो लेबर लेबर डिमांड, या फिर आप कह सकते हो लेबर वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, लेबर वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब स्मॉल बिजनेस वो है जहाँ पर जी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहता है, और जहाँ पर जो लेबर डिमांड और लेबर वर्क है वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब जहाँ पर लेबर की डिमांड बहुत रहती है बट वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट रहता है कम होता है, उस बिजनेस को बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। सो जी स्मॉल बिजनेस तो ठीक है, समझ गए क्या होता है। अब इसके बाद एक एक्ट आया 19, जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद एक एक्ट आया 1951 में, जो कि दिया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये क्या था, एक एक्ट था, इसके हिसाब से जो बिजनेस था इसमें एक मीनिंग दी गई है। आप देख सकते हैं मीनिंग, मैं यहाँ से लिखा हूँ, मैं मीनिंग पढ़ के बता देता हूँ। एनी इंटरप्राइज विच इम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50% वैन यूजिंग पावर एंड 100% वेन नॉट यूजिंग पावर एंड विद द कैपिटल एसेट्स नॉट एग्जीटिंग ₹5 लाख। मतलब इसका मतलब यहाँ पर जी पावर का भी आप देखे होंगे, यहाँ पर पावर भी दिया है जी। यहाँ का पावर का मतलब टेंशन मत लीजिए, यहाँ का पावर का मतलब है टेक्नोलॉजी, यहाँ का पावर का मतलब दिया गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मतलब मशीन वशीन इसके अंदर सब टेक्नोलॉजी के अंदर सब आ जाएगी, ठीक। सो मतलब अगर मैं आपसे बताऊँ कि स्मॉल बिजनेस जी, देखिए इस एक्ट के हिसाब से ना, यहाँ पर इस एक्ट ने 3 केस रख दिया था। इसने बोला था कि एनी इंटरप्राइजेस विच इम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50%, 50% 50% से क्या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, किसमें, यूजिंग पावर, यूजिंग पावर पहला केस। और सेकेंड केस में इसने बोला कि एन 100%, मतलब 100% से ऊपर नहीं होने चाहिए, नॉट यूजिंग पावर। और जहां पर जी जो कैपिटल एसेट्स, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, 5 लाख से अबव नहीं होना चाहिए, 5 लाख से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये जी 3 कंडीशंस जो है ये एक्ट बोलता है। आप देखिए ना, एनी इंटरप्राइजेस विच इम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50%, नॉट मोर देन 50% वैन यूजिंग पावर, मतलब टेक्नोलॉजी एनर्जी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 50%, ठीक है, और उसके आगे एन 100% वैन नॉट यूजिंग पावर एंड विथ कैपिटल एक्सेडिंग नॉट नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख, मतलब 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो ये 3 जो कंडीशन है, अगर ये 3 कंडीशन आई तो उसके हिसाब से वो जो बिजनेस है स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉल बिजनेस है। सो मतलब ये जो मीनिंग है थोड़ी क्या अजीब सी है, मेरे को भी पढ़ने से थोड़ी अजीब सी लगी, बट क्या हुआ, अमेंडमेंट आया कुछ साल के बाद, अमेंडमेंट आप देख सकते हैं, मतलब कुछ लॉ में चेंजेस आए जी। अब अमेंडमेंट का मतलब होता है लॉ में चेंजेस आना, ये जी ये जो मीनिंग थी ये थोड़ी क्या थी, अजीब सी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, एक लॉ में चेंज आया, सो एक नया एक्ट पास हुआ। कब, 2006 में एक नया एक्ट पास हुआ। देखिए मैं यहाँ पर बनाया अमेंडमेंट, जहाँ पर 2006 में एक नया एक्ट आया MSMED के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एक्ट। इस एक्ट ने 2006 में एक
जो स्मॉल बिजनेस की क्या निकाली, नई मीनिंग निकाली, नए क्लासिफिकेशंस के साथ निकाली। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपको दिख रहा होगा। सो जी, MSEBD ने बोला कि जो भी इंटरप्राइजेस हैं, जो भी स्मॉल बिजनेस हैं, वो क्या है? सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस होगा या फिर सर्विस इंटरप्राइजेस होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, MSEBD जो एक्ट था 2006, उसने कहा कि जो भी इंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, वो क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ में क्लासीफाई हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस हो सकते हैं या फिर सर्विस इंटरप्राइजेस हो सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर MSEBD ने कहा कि जी, ये जो मैन्युफैक्चरिंग और जी सर्विस इंटरप्राइजेस हैं, ये भी तीन इसमें क्लासीफाई हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस हैं, उसके अंदर माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। सेम केस उसने कहा कि जैसे सर्विस इंटरप्राइजेस हैं, उसके अंदर भी क्या थ्री और बिजनेस क्लासीफाई है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, जो कि सर्विस इंटरप्राइजेस के अंदर आएंगे। मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम दोनों के अंदर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जी, इसका पूरा मैं मतलब बताता हूँ, उसके बाद मैं मीनिंग लिखना आपको सिखाऊंगा। इसमें मतलब बताया गया है इस MSEBD एक्ट में कि जी, जो भी अगर जो कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 25 लाख से नीचे रहेगी, सो जी वो जो बिजनेस रहेगी वो कहलाएगी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस बिजनेस। वैसे सेम केस सेकंड में भी है। इसने MSEBD एक्ट ने कहा कि जो भी बिजनेस में 25 या 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होगी, सो उसके हिसाब से वो बिजनेस क्या कहलाएगा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस कहलाएगा। और जहाँ पर 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होगी, वो क्या कहलाएगी, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस कहलाएगी। वैसे सेम केस क्या है सर्विस इंटरप्राइजेस की है। मतलब जहाँ भी अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम होगा, सो जी वो जो बिजनेस कहलाएगा वो माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेस कहलाएगा। मैं ध्यान से सुनिएगा, जहाँ भी, और उसने कहा कि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख और 2 करोड़ के बीच में रहेगा, सो वो क्या, स्मॉल सर्विस इंटरप्राइजेस कहलाया जाएगा। सेम केस जहाँ भी 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट होगा, उस बिजनेस को क्या कहलाया जाएगा, मीडियम सर्विस इंटरप्राइजेस कहलाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा ब्रीफ है। अभी मैं आपको मीनिंग लिखना सिखाता हूँ, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। चलिए अब मीनिंग, पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की मीनिंग लिखना बताऊंगा इस चार्ट के थ्रू, फिर बताऊंगा सर्विस इंटरप्राइजेस के मीनिंग इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से सुनना। सो जी, अगर आपको क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि जी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की मीनिंग लिखो, माइक्रो मैन्यू, आई एम अगेन रिपीटिंग, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की मीनिंग लिखिए, तो जी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, आपको सेम चीज़ क्या करनी है, उतारनी है। जैसे मैं भी उतार रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पर जो चीज़ थी वो भी चीज़ यहाँ पर लिख दी है। ठीक, इसके आगे आपको क्या करना है, कॉमा डालना है। अब दीजिए ध्यान से सुखिए, ध्यान से सुनिए, इसके आगे आपको क्या लिखना है, कॉमा डालना है। इसके आगे आपको लिखना है वेयर इन्वेस्टमेंट, वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस, जी देखिए, लेस देन 25 लैक्स ठीक है, मतलब आप और एक बार देखिए, देखिए जैसे यहाँ पर क्या मीनिंग लिखी है मैंने, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के नीचे एक मीनिंग लिखी है और सर्विस इंटरप्राइजेस के नीचे भी क्या लिखी है, मीनिंग लिखी है। अब जी, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस की क्या मीनिंग बताइए, सो जी आपको क्या करना है, पहले सीलिंग से लेकर यहाँ मशीनरी तक सेम लिखना है। जैसे यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा लिखा है, देखिए सीलिंग से लेकर पूरा मशीन तक क्या लिखी है, सेम लाइन लिखी है। अब इसके आगे क्या लिखना है, आपको एक वर्ड लिखना है, वेयर इन्वेस्टमेंट,
इज लेस देन 25 लाख। देखिए माइक्रो की क्या थी, लेस देन 25 लाख, तो मैंने भी क्या लिखा है यहीं पर सेम चीज लिखी है, लेस देन 25 लाख्स। दैट फिर उसके आगे लिखना आपको दैट इंटरप्राइज इज कॉल्ड एज माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, वैसे सेम अगर आपको पूछेगा कि सर्विस मतलब माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेस की मीनिंग लिखिए, तो जी आपको भी क्या करनी है, वापस से सेम जो मीनिंग लिखनी है। जैसे देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। ठीक है, सेम चीज लिखी है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेस की मीनिंग लिखिए, तो जी आपको भी सेम चीज उतारनी है, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन। देखिए यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी है, वही सेम सेम चीज़ यहाँ भी लिखी है, वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 लाख दैट इंटरप्राइज इज कॉल्ड एज सर्विस, सॉरी माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जी आपको अगर पूछेगा कि माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, या आपको पूछेगा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, या फिर आपको पूछेगा मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, तो जी सब में आपको क्या लिखनी है, ये जो मीनिंग है सीलिंग और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी, ये आपको सेम लिखनी है। बस उसके आगे आपको क्या डालना है, वेयर इन्वेस्टमेंट इज, अगर मैं बात करूँ माइक्रो की, तो लेस देन 25 आएगा यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, और अगर आपको पूछेगा स्मॉल, तो आपको इसके जगह क्या लिखना है, 25 लाख टू 5 करोड़। ठीक है, फिर आपको लिखना है दैट इंटरप्राइजेस इज कॉल्ड एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। मतलब आप बात समझ रहे हो, मतलब आपको अगर किसी का भी पूछेगा तो जी आपको ये पहली जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या सेम लिखनी है, अगर सर्विस इंटरप्राइजेस का बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक सेम लिखना है, फिर उसके आगे लिखना है वेयर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 लाख दैट इंटरप्राइजेस इज कॉल्ड एज माइक्रो सर्विस इंटरप्राइजेस। सेम चीज़ ये सब चीज़ में भी है, मतलब आपको इसी से सब मीनिंग जो है आपको बन जाएगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई अभी आप सबको। अगर आपको बोलेगा कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, तो आपको क्या लिखना है, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स एंड मशीनरी वेयर इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 25 लाख टू 5 करोड़ दैट इंटरप्राइजेस इज कॉल्ड एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस। वहीं अगर आपको पूछेगा कि स्मॉल सर्विस इंटरप्राइजेस की मीनिंग बताइए, तो जी आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ लिखना है, सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट वेयर इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 10 लाख एंड 2 करोड़ दैट इंटरप्राइजेस इज नोन एज स्मॉल सर्विस इंटरप्राइजेस। ठीक, वैसे सेम केस मीडियम का भी है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स तो आई नहीं आई होगी, मतलब आपको सभी को आई नहीं होगी, तो बस बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग करेक्टरिस्टिक्स के इसमें बढ़ते हैं कि इसके स्मॉल बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। सो जी चलिए करेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। अगर करेक्टरिस्टिक्स का अगर जगह आपको फीचर्स दे दिया, या फिर नेचर पूछ दिया, या फिर आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मॉल बिजनेस अगर पूछ दिया, तो आप सभी को यही चीज़ लिखनी है जो कि मैं बताऊंगा। ठीक, तो जी सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका पर्सनल टच, या फिर आप बोल सकते हो पर्सनल करेक्टर। ये जी फर्स्ट पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट का मतलब है जी कि जो स्मॉल बिजनेस रहता है वो बेसिकली किसमें, एक सिंगल पर्सन ओन करता है या फिर पार्टनरशिप में। अब जी आप आसपास के अपनी ग्रॉसरी शॉप में चले जाइए, तो जी वहाँ पर क्या एक ही पर्सन जो है वो क्या, मतलब जो राशन वाशन शॉप है वहाँ पर चले जाइए, तो वहाँ पर क्या एक ही पर्सन आपको, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही पर्सन काम करता हुआ दिखेगा। ठीक, या तो आप कोई सैलून वैलून में चले जाइए, तो वहाँ पर क्या रहेंगे, सिर्फ 2 या 3 ही पर्सन रहेंगे। तो ये क्या है कि स्मॉल बिजनेस का करेक्टरिस्टिक्स है। वैसे टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं जहाँ पर एक सिंगल पर्सन ओन करके रखे, या फिर कुछ पार्टनरशिप में जहाँ पर 3 या 4 ही
पीपल मिलके क्या करते हैं, बिजनेस खोलते हैं, तो वो बिजनेस भी क्या कहलाया जाएगा, स्मॉल बिजनेस कहलाया जाएगा। अब जी सेकेंड पॉइंट, अब जी जैसे सेकेंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कि चैप्टर टू में आपने पढ़ा था वैसी टाइप का है। इसमें क्या है, एक पर्सनल टच मेंटेन रहता है कस्टमर के साथ, और इसके साथ सिक्रेसी भी। आपका जो फर्म है, आपका जो भी आपका जो छोटा मोटा बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, तो जी उसके अंदर सिक्रेसी मेंटेन रहेंगी, क्योंकि ये क्या है एक सिंगल पर्सन ही क्या है ओन करके रखा है, जहाँ पर अगर आपकी कुछ भी पर्सनल डाटा होगा वो क्या होगा, लीक हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि आप ही इसे क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिक्रेसी भी क्या रहेगी यहाँ पर, मेंटेन रहेगी। और फ्लेक्सिबिलिटी आप भी क्या कर सकते हो, एकदम इजी क्या कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कुछ भी आप, अगर आपको मान मान लीजिए अगर आपका सैलून का शॉप है, आप क्या है उसमें आप हेड हैं, तो आप बेसिकली उसमें आप इजीली सबको बोल सकते हो कि आज का जो टाइम है, या फिर कुछ भी आपको अगर बोलना होगा या कुछ भी आपको डिसीजन लेना होगा, तो आप एकदम इजीली ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस है। अगर वहीं अगर मैं कंपनी वंपनीज की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या पूरा सबसे पहले पूरे ओनर से लेना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर एक तरीके से बहुत झंझट रहता है। बट जी यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेस है, क्योंकि आप ही ने ओन करके रखा है, तो यहाँ पर क्या फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है। अब जी थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ लेबर। डोमिनेंस ऑफ लेबर मतलब ये जो स्मॉल बिजनेस है ना, यहाँ पर जी अगर मैं स्मॉल बिजनेस की बात करूँ, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने पहले ही बताया था, टेक्नोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कम रहता है, बट यहाँ पर जी जो लेबर की जो डिमांड रहती है वो क्या रहती है, बहुत ज़्यादा है। मतलब स्मॉल बिजनेस, अगर स्मॉल बिजनेस की बात करेंगे, तो जी जहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, और जी लेबर की ज़्यादा डिमांड जहाँ पर होती है, सो वो उसे क्या कहलाया जाता है, स्मॉल बिजनेस। इसलिए ये भी क्या है, डोमिनेंस ऑफ लेबर, मतलब जहाँ पर लेबर का बहुत काम रहता है, उसलिए इसलिए इस पॉइंट को भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मॉल बिजनेस कहा गया है। अब जी फोर्थ पॉइंट, जो कि है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पहले ही बता चुका है, छोटा मोटा बिजनेस जहाँ वहाँ पर, बट ऑब्वियस है जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो कम ही रहेगी। अब जी नेक्स्ट पॉइंट, अब जी जो फिफ्थ पॉइंट है वो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन है, मतलब इसका मतलब ये बहुत फैला हुआ बिजनेस नहीं होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे, जैसे ग्रॉसरी शॉप, आपके यहाँ पर कोई भी राशन या फिर कुछ भी होगी, तो उसके क्या ब्रांचेस नहीं लगे होंगे, ठीक है, ब्रांचेस नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे बिजनेस जहाँ पर जिसकी ब्रांच वांच नहीं होती, जो कि कंपनी और MNC टाइप्स के नहीं होते, जो इसलिए उनकी क्या रहती है एकदम लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, मतलब बहुत कम जगह पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं। सो वैसे बिजनेस क्या रहते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं। अब जी जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है, अब जी जो लास्ट पॉइंट है वो है लोकेटेड इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये पॉइंट का मतलब है कि जी जो भी स्मॉल बिजनेस है वो क्या एकदम गांव वाव, या फिर आप बोल सकते हो जो टाउन वाउन है वहाँ पर लोकेटेड रहता है, क्योंकि जी वहाँ पर जो लेबर रहते हैं वो क्या रहता है, इजिली अवेलेबल रहते हैं, लेबर आर इजिली अवेलेबल, इसलिए ये भी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। सो जी बस यही इतने ही पॉइंट्स है। अब जी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग रोल ऑफ बिजनेस इन रूरल एरियाज और बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स के इसमें प्रोग्राम्स भी बनाए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास पे मिलता हूँ, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल नारायण, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो जी जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्टअप किया था, जो था स्मॉल बिजनेस के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने उसकी मीनिंग जानी थी कि स्मॉल बिजनेस होता है क्या, जो सबसे ओल्ड मीनिंग थी। उसके बाद हम लोगों ने MSME से जो न्यू वाली मीनिंग आई थी, जो कि 2006 में आई थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो जी और उसके बारे में उसके जाना था कि उसको मीनिंग को कैसे फ्रेम करते हैं, उसके बाद हमने जाना था कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्मॉल बिजनेस के। तो जी आज का जो एक लेक्चर रहेगा वो रहेगा रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया के बारे में, उसके बाद गवर्नमेंट के क्या क्या सपोर्ट्स थे उसके बारे में। सो जी सबसे पहले जानते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। सो जी इसका मतलब होता है कि रूरल इंडिया
में स्मॉल बिजनेस का क्या क्या एडवांटेज होता है? रूरल इंडिया में, रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेस का क्या क्या एडवांटेज होता है? ठीक है सो जी, इसके अंदर जी बहुत सारे पॉइंट्स है। सो जी, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में रोजगारी कहते हैं, रोजगार मत, ठीक है। सो जी, जैसी आप ही देखिए, अब कोई भी रूरल इंडिया में, कोई भी रूरल एरिया, गांव वाली एरिया में वहाँ पर इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, तो जी उसके जो भी आसपास के जो भी लोग हैं उनको क्या मिल जाएगी? नौकरी मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैंने एरो किया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी उनको, एम्प्लॉयमेंट या बोल सकते हैं वर्क जो है उनको मिल जाएगा। उसके साथ वर्क टू आइडल फार्मर्स, इसका मतलब क्या होता है? अब जी कहीं कहीं ये देखा गया है कि कुछ कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास, मतलब वो कुछ एक साल में अपने एग्रीकल्चर में काम कर लेते हैं, बस कुछ कुछ महीने में क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं, मतलब आइडल रह जाते हैं, खाली रहते हैं, कुछ काम वाम रहता नहीं है। तो उस समय स्मॉल बिजनेस क्या करता है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जब खाली समय में जो पड़े हैं वो हमारे स्मॉल बिजनेस में आके काम कीजिए, आपको उसके बदले में अच्छी इनकम प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या हो जाता है, वो जो फार्मर जो खाली बैठे हैं उनको क्या मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, उनको रोजगार मिल जाता है, इनकम मिल जाती है अच्छी। सो जी, अब सेकेंड पॉइंट जो है, इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब अब जी चलो एम्प्लॉयमेंट तो स्मॉल बिजनेस ने दे दिया, अब जी एम्प्लॉयमेंट तो दे दिया, अब उसके बाद क्या होगा, उनको अच्छी इनकम मिलेगी। ठीक है, जो भी पीपल होंगे, जो भी स्मॉल मतलब जिनको भी स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉय किया है उनको तो एम्प्लॉयमेंट मिल गई, अब उनको इनकम भी देंगे। अब जी इनकम देंगे तो उनको क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब अब जैसे कोई भी जो भी गांव के पीपल होगा वो बेचारा एक रोटी खाता होगा एक दिन में, तो अब क्या होगा, उसको इनकम मिलने लगी, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते गया, तो अब दो रोटी खाएगा, इसके साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, अपना घर क्या करेगा, अच्छा बनाएगा। सो एक तरीके से क्या करेगा, अपना लिविंग स्टैंडर्ड क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। सो जी, अब जो थर्ड पॉइंट है, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक्स एंड द क्रिएटिव सेंसेस, मतलब अब जी क्या, जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊँ तो जी, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक्स एंड द क्रिएटिव सेंसेस का मतलब होता है, जैसे जी मेरी मौसी है, उनका जी एक पार्लर है, ठीक है। अब वो जी पार्लर है तो वहाँ पर वो क्या करती हैं, उनको आइडिया रहता है पार्लर के बारे में, पूरा चीज़ पता रहता है उनको, मतलब क्या करना है, किस समय, मतलब किस समय उस प्राइस की डिमांड बढ़ानी है, कैसी कैसी मशीन लगानी है, किस समय कौन सी जगह पे अलग उनके शॉप की ब्रांच खोलनी है, तो जी उनको पूरा आइडिया रहता है। बट वहीं पर रूरल पीपल की बात करें तो जी ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं कर सकते ये काम, वो भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो उनके इसमें हिम्मत है, उनके इसमें आप बोल सकते लगन है, इवन तक कि मैं ये भी बोलता हूँ कि जहाँ पर हमारे सिटीज़ में जितनी मतलब स्किल है उनसे ज़्यादा स्किल रूरल पीपल में होती है, वो बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाते, वो कर सकते हैं, बट जी क्या प्रॉब्लम क्या आती है, उनके पास कैसे करें, मशीन कहाँ से लाए, कहाँ उनको पता नहीं रहता है कि कब एडवर्टाइज़ करना है, चलो मशीन भी ला दी, चलो शॉप भी खोल दी, अब एडवर्टाइज़ कैसे करें, तो जी उनको ये सब नॉलेज पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, तो जी उनकी क्या हो जाती है, अब उनकी स्किल क्या हो जाती है, छुप जाती है, दब जाती है वहाँ पर, दब जाती है इन द सेंस, मतलब वो शो अप नहीं कर पाते उनकी स्किल को। और वहीं पर जी अब यहाँ पर सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर इजिली क्या करता, मतलब कोई भी क्या कर सकता है, थ्रू एडवर्टाइज के थ्रू, मतलब पेपर के मीडिया के थ्रू अपना क्या कर सकता है, बिजनेस बढ़ा सकता है, नेट चलाना, मतलब उनको नॉलेज होता है, मतलब जैसे बहुत सारी साइट्स आ रही हैं आजकल, ठीक है, गो डैडी के थ्रू अपना बिजनेस भी क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकते हैं। बट रूरल पीपल को इनके बारे में कोई नॉलेज होती नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ कर ही नहीं पाते, ये सब के बारे में उनको नॉलेज होती नहीं है, तो उनका जो स्किल रहता है वो क्या हो जाता है, छुप जाता है, हिडन हो जाता है, छुप जाता है, तो वो अपना जो स्किल है वो क्या कर पाते हैं, शो अप नहीं कर पाते। तो जी इसलिए मैंने क्या लिखा है, इससे क्या होता है, जो स्मॉल बिजनेस है वो क्या रोल में आता है, स्मॉल बिजनेस क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है तुम, हम आपको मशीन दे रहे हैं, अच्छी कंडीशन दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट या आपकी जो भी काम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम क्रिएट कर पा रहे हैं, मतलब उनको एकदम आपकी जैसे स्किल है उसको क्या कर पा रहे हैं, शो अप कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि जो स्मॉल बिजनेस क्या करता है, रेज द हिडन स्किल ऑफ द रूरल पीपल, जो रूरल पीपल की जो हिडन स्किल है उसको क्या करता है, शो अप करता है, तो यही पॉइंट का मतलब है। अब जी रूरल डेवलपमेंट, अब जी देखिए जहाँ भी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, ठीक है, कोई भी रूरल एरिया, कोई भी गाँव वाले एरिया में क्या रूरल मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज आएगी, सेटअप होगी, इम्प्लीमेंट होगी, तो जी वहाँ पर क्या होगा, जो भी रोड है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, है ना यार, इंडस्ट्रीज आई तो रोड भी बट ऑब्वियस है इंक्रीज होगी, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी भी
अच्छी होगी, तो इससे क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रूरल डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और वहीं पर क्या करता है, बिजनेस स्मॉल बिजनेस रीजनल डिस्पैरिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब रीजनल डिस्पैरिटी इन द सेंस ये क्या करता है, रिच एंड पुअर के बीच में जो भी गैप या फिर रिलीजन के इसमें जो भी झगड़े वगड़े, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब जी मोबिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, अब जी मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज मतलब जी आप जाना कहीं भी रूरल एरियाज में, कहीं भी गाँव के एरिया में जाना, तो जी वहाँ पर कोई कोई रिसोर्सेज क्या है, यूज़ नहीं होते। मतलब वो उस रिसोर्स को उस गांव वाली एरिया में क्या कर सकते हैं, यूज़ तो कर सकते हैं, बट जी उसे यूज़ करने वाला कोई नहीं है। तो जी वहाँ पर क्या होता है, ये स्मॉल बिजनेस क्या करता है, एंट्री आता है। स्मॉल बिजनेस की क्या होती है, एंट्री होती है। वो क्या करता है, ये जो खाली पड़े रहते हैं ना, जो भी रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रिसोर्सेज, जिस जो ऐसी खाली पड़े हुए हैं, यूज़ हो सकता है, एकदम अच्छे से यूज़ हो सकता है, बस खाली पड़े हैं, तो जिस स्मॉल बिजनेस क्या करता है, रोल में आता है, वो क्या करता है, ये यूटिलाइज रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज़ करके यूटिलाइज कर देता है। मतलब जो भी इस अनयूटिलाइज रिसोर्सेज है उसको क्या करता है, यूज़ कर पाता है। ठीक है, यूज़ कर लेता है स्मॉल बिजनेस। सो जी यही है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, मतलब रूरल एरियाज़ में स्मॉल बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, रूरल इंडिया में मतलब रूरल एरियाज़ में स्मॉल बिजनेस के होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जी ये हैं 5 पॉइंट्स, इतना समझ में आ गया होगा। अब जी अब जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड द स्पेशल स्कीम। मतलब अब जी क्या हुआ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या की, एब्जॉर्व की, उन्होंने क्या किया, देखने लगी कि चलो जो SSI है उसके कारण क्या हो रहा है, जो भी गांव गाँव में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रही है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है रूरल पीपल की, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसके कारण वो अच्छे इनकम कमा पा रहे हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ वो क्या कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर SSI स्मॉल बिजनेस के कारण क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, इम्प्रूव्स हो रही है, रोड अच्छे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो रही है। तो जी गवर्नमेंट क्या करने लगी, इसको प्रमोट करने लगी, और गवर्नमेंट बोली अच्छा इतना सब फायदा हो रहा है स्मॉल बिजनेस के आने से, तो वो क्या सोचने लगी कि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सोचने लगी कि हम क्या करते हैं, ये स्मॉल बिजनेस को और क्या करते हैं, और भी गांव में क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, जिससे और एम्प्लॉयमेंट ये सब अपॉर्चुनिटीज का हो सके, बढ़ सके। तो जी इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने दो तरह के क्या किए, मतलब बहुत सारे मेजर्स लिए और बहुत सारे एक्शंस लिए। तो जी उन्होंने क्या किया, दो तरीके के क्या करे, एक्शंस और प्रोग्राम्स किए। एक तो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सो जी यहाँ पर क्या होने लगा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में, तो इस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करने लगी, जो भी स्मॉल बिजनेस को क्या करने लगी, अपने तरफ से सपोर्ट करने लगी। कैसे, तो जी सपोर्ट इस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के अंदर जी ऐसे दो कॉरपोरेशन या दो सेंटर्स आप बोल सकते हैं आए। सबसे पहला नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये ऐसा कॉरपोरेशन था जो कि 1955 में आया था, जिसको शॉर्ट में NSIC बोला जाता है। सो जी इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कॉरपोरेशन के थ्रू बहुत सारी जो स्मॉल स्केल बिजनेस थे उनको क्या किया, सपोर्ट किया। कैसे किया, सो आइए जानिए, वो जानते हैं कैसे। टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट है वो क्या करने लगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगी। मतलब जो भी स्मॉल बिजनेस थे उनको क्या करने लगी, अच्छी अच्छी मशीन्स प्रोवाइड करने लगी, अच्छी जो भी न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी उसके हिसाब से उनको क्या करने लगी, अपग्रेड करने लगी, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लगी। सो जी सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड एडवाइजरी एंड मेंटोर सर्विसेज, मतलब अब क्या करने लगी, मेंटोर मतलब क्या होता है, एक तरीके से एडवाइस देना। ठीक, सो जी इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल मतलब जो ये जो NSIC है ना, वो क्या करने लगी, जो भी स्मॉल बिजनेस को क्या करने लगी, गाइड करने लगी, एडवाइस करने लगी। अजी थर्ड पॉइंट है टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ SSI, ये जो NSIC क्या करने लगी कि जो भी स्मॉल बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, फॉर एग्जांपल सीमेंट, मतलब जो भी अगर कपड़े का बिजनेस है स्मॉल बिजनेस का, तो वो क्या करने लगी, वो कपड़े के जो भी प्रोड्यूस किया है स्मॉल बिजनेस से जो कपड़ा, उसको क्या करने लगी, पूरे वर्ल्ड में क्या करने लगी, एक्सपोर्ट करने लगी। ठीक है, उससे क्या कर, उससे क्या हो गया कि स्मॉल बिजनेस का क्या हो गया, रोल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, मतलब
जी अब क्या होता है, टू प्रोक्योर एंड सप्लाई इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स, मतलब कभी कभी ना, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स आई, ठीक है, सो इंडिया ने क्या किया, डिसाइड किया कि अमेरिका से क्या करेंगे, अच्छी वाली मटेरियल्स को क्या करेंगे, अच्छी वाली जो मशीन आई है, जो अमेरिका ने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है, उसको इंडिया में भी लाएंगे। उसके कारण क्या करेंगे, जो भी छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस है वो सबको क्या करेंगे, मशीन प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या कर पाएंगे, जो स्मॉल बिजनेस का जो तरक्की है उसको क्या कर पाएंगे, बढ़ा सकेंगे। सो जी यही है इसका मतलब। अब जी फिफ्थ का मतलब है टू सप्लाई इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड मशीन, वो ये भी सेम ही मतलब है। इंडिजिनस, अगर मैं इंडिजिनस की बात करूँ, मतलब जैसे मैं बात करूँ इंडिजिनस पीपल की, मतलब हमारे ही लोकल पीपल, हमारे ही देश के पीपल। अगर मैं बात करूँ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की, तो जो हमारी कंट्री में खुद के प्रोडक्ट बने हैं वो वाली प्रोडक्ट की। तो जी ये फिफ्थ पॉइंट का मतलब क्या है, टू सप्लाई इंडिजिनस प्रोडक्ट, मतलब जो भी हमारी SSI ने, जो भी स्मॉल बिजनेस ने जो भी काम किया, जो भी प्रोडक्शन किया है, उसको क्या करना, सप्लाई करना, यही है इसका मतलब। अब जी जो सेकेंड है इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट में, वो है टू द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, मतलब ये ऐसे सेंटर्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इस्टेब्लिश हैं। ये May 1, 1978 में क्या हुए थे, इस्टेब्लिश हुए थे। इनका काम है प्रमोशन करवाना, ठीक है, जो NSIC, जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन थी, ये तो सपोर्ट था, ये एक एक्शन में काम करते हैं, बट ये क्या करते हैं, प्रमोशन में काम करते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्शन में काम करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रमोशन में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, बस प्रमोट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, इंकरेज करते हैं स्मॉल बिजनेस को। ये क्या बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, उनकी हेल्प स्मॉल बिजनेस की, ये आइडेंटिफाई करते हैं सुटेबल स्कीम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल स्कीम, मतलब ये स्मॉल स्केल बिजनेस को क्या मतलब अवेयर करवाते हैं कोई भी स्कीम के बारे में, कि तुम ये वाली स्कीम लोगे तो तुम्हारी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होगी, तुम वो वाली स्कीम लोगे तो तुम्हारे बिजनेस के लिए वो स्कीम बहुत अच्छी होगी, तुम्हारी मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सो ऐसे क्या करते हैं, सुटेबल स्कीम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, मतलब जो भी ये DIC है, ये क्या करती है, उनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करती है, इनकरेज करती है। इनकरेज इन द सेंस, मतलब जैसे उनको क्या बोलते हैं कि रिपोर्ट बनाओ, कि जिससे पता चल सके, जिससे पता चल पाए कि तुम्हारी जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कर रही है कि लॉस, उसके अगर लॉस कर रही होगी तो उसके अगेंस्ट कौन से मेजर्स ले पाएंगे, वो इसके थ्रू क्या कर पाएगी, DIC मतलब जान पाएगी, और उसके अगेंस्ट क्या कर पाएगी, उनको प्रमोट कर पाएगी, ठीक है। अब है अरेंजिंग फॉर क्रेडिट, मतलब ये क्या करती है DIC, ये क्या करती है, स्मॉल बिजनेस को बताती है कि तुम ये वाला लोन ले सकते हो, अभी इसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करके क्या करती है, एक तरीके से अरेंजिंग फॉर क्रेडिट, मतलब उनको एक बताती रहती है कि क्या क्या ऑफ़र तुम्हें मिल सकता है, तुम क्या क्या ऑफ़र ले सकते हो पैसा लेने के लिए या लोन लेने के लिए बैंक से, ये सब क्या करता है, उनको प्रमोशन मतलब उनको प्रमोट करवाता है, ठीक है DIC। अब जी जो लास्ट टॉपिक है, जो कि है गवर्नमेंट सपोर्ट एंड स्पेशल स्कीम्स का ही चीज़, जो सेकंड पॉइंट है, इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडियाज़, मतलब अब जी गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, कि तुम रूरल, देखिए जैसे अगर मैं और ईजी शब्द में बताऊँ, जैसे अब क्या, जैसे मेरा बिजनेस है स्मॉल बिजनेस, तो जी जहाँ पर मेरे को फ़ायदा मिलेगा मैं तो वहीं जाऊँगा, तो जी गवर्नमेंट भी क्या करती है, ऐसी हम लोग को ललचाती है, जो भी बिजनेस है उनको ललचाती है, जैसे कि वो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ललचाती है, बोलती है कि हम लोग तुमको ये ऑफर्स देंगे, तुम यहाँ के क्या करो, इस्टेब्लिश करो अपना बिजनेस। तो जी इनिशिएटिव ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडियाज़ का यही मतलब है। तो जी सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इन दिस एरियाज एट कंसेशनल रेट्स, मतलब ये क्या करती है, जो भी लैंड है स्मॉल बिजनेस को क्या करती है, लैंड एकदम सस्ते में प्रोवाइड करती है, एकदम चीप रेट्स में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। कंसेशनल का मतलब होता है चीप रेट्स में क्या करना, प्रोवाइड करना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एसेट्स इन बैकवर्ड एरियाज, जी इसका मतलब अगर जी मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल में जी मेरे क्या सीमेंट की इंडस्ट्री है, अब जी सीमेंट की इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए, मतलब सीमेंट बनाने के लिए मेरे को क्या है, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। सो जी मैं भी ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पर ये सब चीज़ें क्या हो, मेरे को इजीली अवेलेबल हो। तो जी गवर्नमेंट भी क्या करती है, मेरे को ललचाएगी आके, वो बोलेगी कि भाई तुम ये वाली एरिया में आओ, तुम यहाँ पर इस्टेब्लिश करो, यहाँ पर जो जो तुम्हें चीज़ चाहिए वो सब अवेलेबल है बहुत चीप कॉस्ट में,
ठीक है। सो ऐसे क्या करती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एसेट्स इन बैकवर्ड एरियाज, ऐसे क्या करती है, गवर्नमेंट एक ऑफर देती है, ऑफरिंग टैक्स कंसेशन इन बैकवर्ड एरियाज। मतलब वो क्या करती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि सब स्मॉल बिजनेस को कि तुम यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करो, जहाँ पर जी तो जो जो भी है ना टैक्स तुमसे लेंगे वो क्या लेंगे, बहुत कम लेंगे। अब जी जो फोर्थ पॉइंट कहता है, फाइनेंस एंड कंसेशनल रेट्स टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडियाज, वो क्या बोलता है गवर्नमेंट कि भाई तुम आओ अपना इंडस्ट्री सेटअप करो, हम लोग क्या करेंगे तुम्हें फाइनेंस करेंगे। ठीक है सर जी, ये फोर्थ पॉइंट। अब जी जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ग्रांटिंग सब्सिडरीज। मतलब सब्सिडरी मतलब क्या होता है, जो भी पैसा गवर्नमेंट पे करती है, जो भी पैसा गवर्नमेंट पे करती है। सो जी गवर्नमेंट क्या करती है इस पॉइंट में, ऑफर देती है बहुत सारे ऑफर्स। इन द सेंस वो क्या करती है, अगर स्मॉल बिजनेस कभी कभी क्या हुआ घाटे में चले गया, तो वो क्या करती है उसके जो अमाउंट रहती है वो क्या करती है पे कर देती है, या फिर स्मॉल बिजनेस को क्या करती है थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करती है पे करती है, या फिर उनको क्या करती है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो जी इसके अंदर तीन है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मतलब कुछ भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी अगर ऐसे आए तो उसमें क्या करेगी, वो क्या करेगी पेमेंट खुद से करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी गवर्नमेंट क्या करेगी थोड़ा बहुत खर्चा, जो कि ये वाले पॉइंट से सिमिलर है। अब जी इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी, मतलब जैसे जैसे मशीन मशीन जो भी होगी प्रोवाइड, तो ये क्या करेगी गवर्नमेंट जो भी है थोड़ा बहुत पैसा स्मॉल बिजनेस को अपनी ओर से दे देगी। सो जी यही होता है पूरी चीज़। इसी के साथ जी जो चैप्टर है वो क्या होता है ख़त्म होता है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे। सो अभी मैं चलता हूँ, ओके थैंक यू एंड बाय। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट का एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं। सो ये जो वेबसाइट है ये बिजनेस विद्या, लेकिन जो बिजनेस विद्या है वो ऑपरेट करती है बिंग कॉमर्स के अंदर। ठीक है, सो सबसे पहले तो बिंग कॉमर्स आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, कॉमर्स कम्युनिटी है। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी 64,000 तक पहुँच गए हैं। आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, इस बटन को क्लिक करके। आपके जैसे बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे सारे हमारे फॉलोअर्स हैं। सेम चीज़ आप देख सकते हो यूट्यूब में, इतने फॉलोअर्स है 12,000 अराउंड। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब में भी, और हमारे फेसबुक में 1 लाख फॉलोअर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ 100,000 फॉलोअर्स है। ये भी सारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं जैसे आप हो, आप हमें यहाँ भी जाके फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, कॉमर्स की कम्युनिटी, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको मीम्स मिलेंगे, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कॉमर्स, प्लस आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एंड मेक मनी के बारे में। ठीक है, सो प्लीज़ ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारी कम्युनिटी को। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये वेबसाइट को ऑपरेट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो होम है, पोस्ट है, केस स्टडी है, डाउनलोड है, और कॉन्टेक्ट अस है। तो पोस्ट में क्या है, अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ की कोई भी नोट्स को पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 11th आप में क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ के पूरे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देख रहे हो, बस फॉर एग्जाम्पल आपको स्मॉल बिजनेस पढ़ना है तो कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे पूरा स्मॉल बिजनेस के बारे में सारी चीज़ पढ़ सकती हो। सिमिलरली अगर आप पोस्ट में वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12th का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ की सारी क्लास 12th के नोट्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं केस स्टडीज़ की। सो दोस्तों केस स्टडी में क्या है, यहाँ पे हमने आपको लिंक प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, सिर्फ क्लास 12th के लिए हमने प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर में क्लिक करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस एनवायरमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बिजनेस एनवायरमेंट का एक पूरा PDF मिलेगा, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने केस स्टडीज प्रोवाइड करके दिए हैं जिसके सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग में, तो कंट्रोलिंग का केस स्टडी खुल जाएगा, आप सबको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों केस स्टडी के बारे में। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा, आप डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 11th की हमने इंग्लिश की हॉर्नबिल प्रोवाइड करके दी। अगर आपको क्लास 11th की इंग्लिश की नोट्स पढ़ना हो, क्वेश्चन आंसर पढ़ना हो, तो आप यहाँ से हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके आप वापस एक PDF को डाउनलोड कर सकते हो और आप सारे क्वेश्चन आंसर नोट्स सारे इस PDF के अंदर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास 11th का फॉर एग्जाम्पल स्नैपशॉट खोलता हूँ इस तरीके से, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपको हर PDF का एक पासवर्ड मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा है दिस बुक विल आस्क फॉर पासवर्ड। सो आपको अगर इस हॉर्नबिल और स्नैपशॉट खोलना है तो उसके लिए आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई एम बिंग कॉमर्स फॉलोअर।
सिमिलरली अगर आपको क्लास 12 का करना है तो आपको फिर से आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर पासवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है या माइक्रो इकोनॉमिक्स खोलना है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, आई लव बीइंग कॉमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यूज़ करके इस पीडीएफ को खोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्नैपशॉट में क्लिक करूँ, डाउनलोड क्लिक हियर में, सो दोस्तों आप देख सकते हो ये है पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया अगर आपने स्नैपशॉट खोला है तो आपको ये पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी करना है पासवर्ड को और एज इट इज़ पेस्ट करना है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा, या आप मैनुअली इसे जाके लिख सकते हो, आई एम बीइंग कॉमर्स फॉलोअर्स, बट मेक श्योर दैट सारी चीज़ कैपिटल लेटर में। ठीक है, फिर इसको सबमिट करना। फिर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ जो क्या है ओपन हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हो, वापस इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि डाउनलोड सेक्शन में आप काफ़ी सारी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो और आप उसको पढ़ के प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और पासवर्ड का सही से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी जब पासवर्ड डालते हैं तो कुछ लेटर्स को स्मॉल कर देते हैं, कुछ को बिग, बट मेक श्योर दैट सब चीज़ कैपिटल लेटर में आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन है और यहाँ पे आप ईमेल, अगर आप व्हाट्सएप में क्लिक करेंगे ऐसे तो आप मोबाइल में करेंगे तो डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, अदरवाइज आप लैपटॉप से भी अपने वेब के थ्रू व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन है ईमेल अस का, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम है और उसका डिस्क्रिप्शन आप पूरा यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा, इमेजेस हमें शेयर कीजिएगा कि हमको ईजी पड़े। आप जितना ज़्यादा अच्छे से हमको अपनी तकलीफ बताएंगे उतना अच्छे से हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड कर देना है। ठीक है, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज आते हैं और हम काम करने वाले काफ़ी कम हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी एक हफ्ता लग जाए आपका रिप्लाई करते करते, 2 हफ्ता लग जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हम बहुत लिमिटेड स्टाफ से आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हाइपर मत होइएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे लेकिन टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मेरे को आपको बतानी थी, अगर आप अगेन होम में क्लिक करोगे तो आप अगेन होम के यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मैंने सारी आपको बता दी। आप डायरेक्ट यहाँ क्लास 11th में भी क्लिक करेंगे या क्लास 12th में, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 12th में क्लिक किया तो यहाँ से भी आप सब चीज़ देख सकते हो। अगर आपको केस स्टडी में जाना है तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, केस स्टडी में पहुँच जाओगे, यही वाले लिंक में वापस से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो क्लिक यहाँ नोट्स में क्लिक करोगे, आपको वापस क्लास 12 के नोट्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक मिल जाएंगे, फ्लेमिंगो विस्ता, इसको आप क्लिक करोगे और पासवर्ड करोगे तो पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया, क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड किया इंग्लिश के, सेम आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ मिलेगी। अगर आप वापस से लोगों में क्लिक करोगे तो होम पेज में पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट समरी है, यहाँ से भी आप अपनी डायरेक्ट क्लास सिलेक्ट करके आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी, और यहाँ पे है वॉच वीडियो ट्यूटोरियल्स, तो अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहुँच जाओगे। यहाँ पे हमने इतनी सारी प्लेलिस्ट बनाई है आप सबके लिए, आपकी जो भी प्लेलिस्ट है आप सर्च कीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ नेचर है, फिर सोर्सेस और बिजनेस फाइनेंस है, क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट है, प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, तो सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएगी। बस हमारे चैनल के बीइंग कॉमर्स में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आइएगा, सारी वीडियोस यहाँ पे, और मैं कह सकता हूँ आप सारी प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से पढ़ के उसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, फिर यहाँ से वही नोट्स के, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस नोट्स के एरिया में पहुँच जाओगे। ई बुक्स को डाउनलोड करना अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस से यही डाउनलोड सेक्शन में पहुँच जाओगे। ठीक है, केस स्टडी पढ़ना है अगर यहाँ क्लिक करोगे तो वापस केस स्टडी के सेक्शन में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको क्लास 12 की केस स्टडी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों एक लास्ट चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग वाली, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आप चाहते हो आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करके पढ़ सकते हो और यहाँ पे आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आप ज़रूर एक बार डिजिटल मार्केटिंग में भी फोकस कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बहुत और भी अच्छा है। ठीक है, ज़रूर से देखिएगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। अब अगर कभी आपको वापस से हमारी इस वेबसाइट में विजिट करना है तो आपको बस सिंपली क्या सर्च करना है, बिजनेस विद्या आपको सर्च करना है गूगल में और बस आपको एंटर कर देना है, तो आप इस वेबसाइट में वापस पहुंच जाओगे। आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है, आपको यहाँ क्लिक करना है, आप अगेन हमारी इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो चीज़ थी फ्रेंड्स मुझे आपको बतानी थी, होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें।